चिड़िया का आपके घर में घोंसला बनाना शुभ है या अशुभ, और ये किस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न होता है या नहीं होता है, वास्तु दोष खत्म होता है, तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैं आपसे बोलूँगी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हमसे जुड़ने के लिए करिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अभी से, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई है। तो दोस्तों कहते हैं तो चिड़िया के बारे में बताऊंगी आज मैं, चिड़िया के घोंसले के बारे में, और ये भी बताऊंगी किस तरह से आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर होंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि चिड़िया का घोंसला बनाना सौभाग्य की बात होती है, मतलब किसी भी पक्षी का देखिए घोंसला उजाड़े नहीं, कोई भी अपना घर बहुत मेहनत से बनाता है तो इसलिए उसको उजाड़े नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि चिड़िया का घोंसला बनाना सौभाग्य का विषय है, ना तो उसे उजाड़े। वे पक्षी जो आपके घर में घोंसला बनाते हैं वो आपके लिए सौभाग्य का संदेश भी लेकर आते हैं। तो चलिए बताते हैं चिड़िया का घोंसला बनाने से क्या होता है। तो दोस्तों गर्मियों में चिड़िया घोंसला बनाती हैं लगभग, और दोस्तों जहाँ अपने सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में देवी देवताओं का वाहन पक्षी हैं, जैसे भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, माता सरस्वती का वाहन हंस जी का वाहन गरुड़ है, शनिदेव का वाहन कौआ है, और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, इसी तरह सभी वाहन अपने पूजा स्थान में अपने देवों और देवियों के साथ पूजा ग्रहण करते हैं। आप उन्हें पूजते हैं और उनकी कृपा के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, और जब उन देवी देवियों के वाहन आपके घर में आ जाते हैं तो आप उनका घोंसला उजाड़ दें। तो अगर वो आपके घर में आए तो आपके लिए सौभाग्य की सूचना लेकर आते हैं। तो चिड़िया का घोंसला बनाना पूर्वी भाग में जैसे बनता है, अगर चिड़िया आपके घर के पूर्वी भाग में घोंसला बना रही है तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ संकेत होता है, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों आग्नेय कोण पर घोंसला बनाने से पुत्र का विवाह होता है, दक्षिण दिशा में वही घोंसला बनाए तो धन की प्राप्ति होती है, और दक्षिण पश्चिम कोण में घोंसला बनाए तो परिवार वालों को दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों यदि चिड़िया पश्चिमी भाग में घोंसला बना रही है तो माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, ये समझ लीजिए। और पश्चिमी भाग में अगर चिड़िया घोंसला बना रही है तो आप समझ लीजिए जल्दी आप पर माँ लक्ष्मी कृपा करने वाली है। यही दोस्तों उत्तर पश्चिमी कोण पर गौरैया का घोंसला बनना, मतलब गौरैया चिड़िया, तो काफ़ी सुख देने वाला होता है। इसी तरह उत्तर दिशा और ईशान कोण का घोंसला बनना सुख सुविधाएं देता है। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ को हम मैं स्पष्ट बोल रही थी कि ये घोंसले आपके घर के आंगन में होने चाहिए, ना कि आपके कमरे में और हॉल में या किचन में, इस जगह नहीं होने चाहिए। घर के अंदर वाले जो हिस्से होते हैं ना, चार दीवारी के अंदर जैसे आपके घर में घोंसला बना ली है चिड़िया तो एक अशुभ संकेत होता है। यदि आपके घर के आंगन में कोई पेड़ है या फिर खुली जगह में चिड़िया घोंसला बना रही तो एक बहुत ही शुभ संकेत होता है दोस्तों। वहीं जैसे पुराने घर को देखें ना, तो घरों में जैसे आंगन होते हैं, जो पेड़ होते हैं, बगीचा होता है, तो अगर उस जगह बना रही है घोंसला तो ये शुभ संकेत है। यदि ये चिड़िया आपके घर के अंदर घोंसला बना रही है तो ये बिल्कुल भी अशुभ संकेत नहीं है, अशुभ नहीं मानते हैं ऐसे घर के अंदर घोंसला बनाना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों में, और थैंक यू।